आलिया भट्ट हो गई ट्रोल। दरअसल हुआ यूं कि आलिया भट्ट बीते दिन गुची के इवेंट में पहुंची थी, जहां उन्होंने एक हैंडबैग कैरी किया था जिसे चमड़े का बताया गया। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। यहां तक कि सोशल मीडिया यूजर्स ने आलिया को हिपोक्रेट कह डाला, क्योंकि हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज पोचर की वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, जिसमें हाथी के दांत के साथ होने वाले गैर कानूनी बिजनेस को दिखाया गया है। ऐसे में लोगों ने आलिया को ट्रोल किया। शाहरुख खान संग काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया उनके बेटे आर्यन खान ने। दरअसल जीक्यू के साथ बातचीत करते हुए आर्यन खान ने कहा, जब मैं पापा के साथ काम करता हूँ तो मेरे लिए सीखने वाली कई चीजें होती है, मैं सीखता भी हूँ। लोग हमेशा से पापा के वर्क एथिक्स के बारे में कहते हैं, पर मुझे तो ये फर्स्ट हैंड मिली है। मेरे लिए उनसे सीखना काफी एक्साइटिंग रहा है। उनके साथ जब भी मैं काम करता हूँ तो मेरी जॉब थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि पापा से हर चीज की नॉलेज आपको मिल जाएगी। आज है जानवी कपूर का बर्थडे, और इस खास मौके पर बड़े ही प्यारे तरीके से बर्थडे विश किया उनकी बहन खुशी कपूर ने। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की और साथ ही उन्होंने लिखा, मेरी सबसे पसंदीदा इंसान को जन्मदिन मुबारक, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वही दूसरी तस्वीर में उन्होंने लिखा, मेरी सबसे बड़ी चीयर लीडर और सिरदर्द। मिस वर्ल्ड पेजेंट में सिनी शेट्टी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को दिया ट्रिब्यूट, किया उनके गाने पर डांस। दरअसल 71st मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट कर रही सिनी शेट्टी ने टैलेंट राउंड में ऐश्वर्या को ट्रिब्यूट देते हुए उनके गाने पर डांस किया। अब चारों तरफ इसी के चर्चे चल रहे हैं। फाइनली तेलुगु फिल्म देवरा से जानवी कपूर का नया लुक सामने आया। अपनी कातिलाना निगाहों से कहर ढा रही है पोस्टर में जानवी। टी सीरीज की तरफ से आया बड़ा बयान। एक प्रेस नोट जारी कर उन्होंने बयान दिया है कि वो आशिकी 3 के डेवलपमेंट या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने चल रही उन अफवाहों का स्पष्ट रूप से खंडन किया, जिसमें कहा गया है कि आशिकी 3 का निर्माण टी सीरीज द्वारा एक अलग टाइटल के तहत किया जा रहा है। शादी की खबरों के बीच पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा की शादी के कार्ड की तस्वीरें वायरल हो रही है। कार्ड बीच थीम पर आधारित है। हम आपको बता दें कि ऐसी खबर चल रही है कि 13 मार्च को शादी करने जा रहे हैं बीटाउन का एक कपल। सलमान खान के साथ फिल्म करना चाहती है पाकिस्तानी एक्ट्रेस सारा खान। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, बॉलीवुड का कौन फैन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आधे दर्शक पाकिस्तान में और आधे भारत में है। अपनी ही बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, जब करियर की शुरुआत की तब सलमान खान के साथ फिल्म करने की सोची थी, उनके साथ काम करना सपना है। अपनी बायोपिक बनाने जाने पर जीनत अमान ने किया रिएक्ट। उन्होंने रिपोर्टेडली कहा, मेरे बिना मेरी बायोपिक बनाना मूर्खतापूर्ण होगा। सच कहूँ तो मुझे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अपनी ही बातों में उन्होंने आगे कहा, मेरे सुझावों के बिना की गई हर रिसर्च गलत और अधूरी होगी। मेरी कहानी को समझने के लिए कई किस्से हैं। 2 साल से एक जैसा ही खाना खा रहे हैं इमरान हाशमी। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, रोजाना 2 बार खाना खाता हूँ जो एक जैसे और बेहद उबाऊ होते हैं। उबला हुआ चिकन कीमा खाता हूँ क्योंकि ये आसानी से पच जाता है। मैं सलाद और शकरकंद खाता हूँ, यही मेरा लंच और डिनर है।